वो डाकू जो यीशु मसीह के एक तरफ में जो यीशु मसीह के साइड में यीशु मसीह के साथ जिस डाकू को मारा गया, दो डाकू थे, उनमें से एक डाकू ने मरते मरते यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। आपको मालूम है कि वो डाकू जिसने अंतिम मरते दम पे विश्वास किया, उसने बाइबल का एक भी पन्ना नहीं पढ़ा, वो एक भी चर्च में, एक भी मीटिंग में नहीं गया, एक भी सत्संग उसने अटेंड नहीं किया, एक भी उपवास प्रार्थना उसने नहीं करी, पर उसने एक प्रार्थना मरते दम पे की जो प्रार्थना आपको और मुझे जीते जी करनी चाहिए। क्या प्रार्थना की उसने? यीशु मुझे याद रखना जब अपने राज्य में तू वापस आएगा। मैं सोचता हूं वो सारी उम्र डाकू था, सारी उम्र उसने लोगों को लूटा मारा, जने क्या क्या उसने किया, उसके पास इतनी बुद्धि कैसे आ गई? आपका चाहे पास्ट जैसा भी हो, आपका बीता हुआ कल जैसा भी हो, जिस समय आप प्रभु के सामने आ जाते हैं बुद्धिमान बन जाते हैं और सही बात की प्रार्थना करने लगते हैं। अमेज्ड हूं मैं, यू नो, विश्वासी लोग अपनी प्रार्थना में ऐसे बढ़ते हैं। विश्वासी लोग अपनी प्रार्थना की जो क्वालिटी होती है उसमें इस